राजस्थान के उदयपुर में चिंतन शिविर में पारित संकल्प को छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अपनाने की पहल शुरू हो गई है और इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तैयारी भी शुरू कर दी। फोकस 50 प्लस नेताओं और युवाओं पर है। इसके लिए AICC ने संगठन से 50 प्लस नेताओं की जानकारी मांगी। इसके अलावा शिविर में लिए गए फैसलों के अनुसार कई तरह की जानकारी जुटाने को भी कहा है। देखिए रिपोर्ट। सीजी कांग्रेस का 50-50 फार्मूला, 50 प्लस नेताओं की सूची हो रही तैयार, आधे युवा आधे सीनियर, बदल जाएगी कांग्रेस। चिंतन शिविर के संकल्प के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश और जिला संगठन में पिछले 5 सालों में कई पदों पर काम कर रहे लोगों के बारे में भी जानकारी मांगी गई है। इन पदाधिकारियों के काम की रिपोर्ट बनेगी, उसमें परफॉर्मेंस का भी जिक्र होगा। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को संगठन में 50% पद देने के संबंध में भी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। उदयपुर के चिंतन शिविर में कुछ निर्णय लिए गए हैं, जिस निर्णय में बहुत सारी दिशा निर्देश AICC के द्वारा PCC को दिए गए हैं। उस उदयपुर के चिंतन शिविर के जो भी निर्णय हैं उसको जैसे उनके आदेश होंगे उस हिसाब से प्रदेश कांग्रेस में कार्य योजना बना के उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उधर BJP इसे नकल बता रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि कांग्रेस ने परख लिया है कि BJP कैसे युवाओं को बागडोर सौंपती है, इसलिए हमारी नकल कर रहे हैं। इसमें एक महत्व आया है कि युवाओं के हाथ में बागडोर सौंपी जाए, या इस मामले को लेकर के 23G के उनको किस प्रकार से पद से पदच्युत किया जा सके, एक तो ये बातें सामने आ सकती है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल है उसका भी जिक्र हुआ है, बूथ कमेटी जो बनाई जा रही है BJP के द्वारा उसके भी चिंतन किया गया है, और बहुत सारी भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलाप को लेकर के उसका नकल करने की बात की गई है। मैं समझता हूं कि नकल करने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, नकल होनी चाहिए। कांग्रेस के 50-50 फार्मूले से पार्टी के अंदर खलबली भी मची हुई है। कई सीनियर नेताओं को छुट्टी होने का भी डर सता रहा है, लेकिन दूसरी तरफ युवा पदाधिकारी खुश भी हैं। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज़, रायपुर।